बच्चों, वेलकम टू एडू फेवर स्कूल। और आज हम करेंगे क्लास सेकेंड का ईबीएस सैंपल पेपर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। सो चलिए सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक द राइट करेक्ट आंसर। सो हमें सही आंसर पर करेक्ट का निशान लगाना है। सो क्वेश्चन है, अ जॉइंट फैमिली इज अ डैश फैमिली। सो जॉइंट फैमिली जो है वो डैश फैमिली होती है। कैसी फैमिली होती है? सिंगल, अकेली, स्मॉल छोटी, बिग बड़ी। सो जॉइंट फैमिली किस कौन सी होती है? जिसमें मम्मी पापा दादी दादा चाची चाचा बहन भाई सब लोग रहते हैं। सो कैसी होगी वो फैमिली? सिंगल, स्मॉल या बिग? यस, बिग फैमिली। जॉइंट फैमिली कैसी होगी? बिग फैमिली होगी। क्वेश्चन नंबर टू, अ किचन इज अ रूम इन विच वी। किचन इज अ रूम। सो किचन वो रूम है जिसमें हम क्या करते हैं? टेक अ बाथ, नहाते? नहीं, किचन में नहीं नहाते ना, बाथरूम में नहाते हैं। कुकिंग? यस, कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं। सो किचन में क्या करते हैं हम? खाना पकाते हैं, कुक। स्लीप, सोते? नहीं, ये भी गलत है क्योंकि हम किचन में नहीं सोते, बेडरूम में सोते हैं। सो कुक। किचन कौन सा रूम है? क्या करते हैं हम किचन में? कुकिंग करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी रिमूव। क्या चीज़ें जो हम हटा देते हैं? आगे पढ़ते हैं, फ्रॉम एवरी कॉर्नर, हर एक कोने से। सोचो क्या चीज़ आप हर एक कोने से हटा देते हो? ऑफ द रूम, कमरे के, इन आवर होम, अपने घर में कमरों से कौन सी चीज़ें जो हम कॉर्नर से हटा देते हैं? ऑप्शन देखते हैं, बकेट, बकेट हटा देते हो? नहीं, रूम में तो बकेट नहीं रखते हैं। पेंट? नहीं, पेंट क्यों हटाएंगे हम? कॉबवेब, मकड़ी का जाला? यस, हम क्या करते हैं? कॉबवेब, मकड़ी के जाले को क्लीन करते हैं, रिमूव करते रहते हैं सफाई के लिए। सो क्या होगा आंसर? कॉबवेब। नेक्स्ट है, माय फादर्स यंगर ब्रदर इज माय। सो माय फादर, मेरे पापा के, सो आपके पापा के भाई, छोटे भाई, क्या कहते हैं आप उन्हें? अंकल। सो ढूंढिए ऑप्शन, UNCLE, अंकल, COUSIN, कजन, AUNTS, aunt। सो नहीं, क्या बोलते हैं? अंकल। सो अंकल पे राइट का निशान लगाएंगे। अब है, माय अंकल्स चिल्ड्रन। सो अभी उन्हीं अंकल के बच्चे, क्या बोलते हैं उन्हें हम? भाई बहन। वो भाई बहन होते हैं ना हमारे, अंकल? नहीं, आंट आंटी? नहीं, वो तो अंकल की वाइफ होती है। कजन? यस, चाचा के जो बच्चे होते हैं उन्हें कजन, कजन ब्रदर सिस्टर होते हैं वो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को हमें फिल करना है। सो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड देन फिल करेंगे। एच ओ एम ई, होम, जी आर ए एन डी, ग्रैंड, पी ए आर ई एन टी एस, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सी एल। सो होम मीन्स घर, हमारा घर। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादी दादा। सी एल ओ डब्ल्यू एन, क्लाउन मीन्स जोकर। आर ई एल ए टी आई वी ई, रिलेटिव, मतलब हमारे रिश्तेदार। जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं उन्हें रिलेटिव्स कहते हैं, जो हमें जानते हैं पहचानते हैं।
M-E-L-A, मेला. सो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. द डैश मेक्स अस लाफ इन अ सर्कस. सो द मेक अस लाफ, कौन है जो हमें हंसाता है, हा हा करके हम हंसते हैं. इन अ सर्कस, सर्कस में. सो सर्कस में कौन होता है, घर नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, जोकर. यस, जोकर होता है और वो हमें हंसाता भी है. नेक्स्ट कहते हैं, वी इंजॉय गोइंग टू अ. सो कहाँ है जब हम जाते हैं तो इंजॉय करते हैं, होम. लेकिन होम में तो हम रहते हैं, वह जाते थोड़ी ना है. और कौन सी चीज़ थी जाने वाली, मेला. ग्रैंड पेरेंट्स तो हमारे पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव हमारे जान पहचान वाले हो गए. सो मेला, अगर मेला जाते हैं तो इंजॉय करते हो ना, मज़े करते हो. यस, मेला. अब हमारे दो ऑप्शन कंप्लीट हो गए, अब बचे 1, 2, 3. द वी लव आवर डैश. सो वी लव आवर डैश एंड केयर फॉर देम. और हम उनकी केयर भी करते हैं, प्यार तो हम अपने घर से भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं, क्लीन व्लीन करते हैं, सफाई करते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी भी केयर करते हैं, सब बच्चे करते हो ना दादी दादा की केयर. सो रिलेटिव. अब तो हम कंफ्यूज हो गए, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे. सो द हाउस इन विच वी लीव आवर फैमिली इज कैल. इसमें कहा गया है द हाउस, वो हाउस जिसमें हम रहते हैं, लीव आवर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जिस घर में हम अपनी फैमिली के साथ क्या रहते हैं उसे क्या कहते हैं. अब ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव तो नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं, घर, होम. ये भी कंप्लीट. एंड नेक्स्ट है, माई फादर्स पेरेंट्स आर माई. सो मेरे मम्मी पापा के मम्मी पापा क्या होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स कंप्लीट. और अब बचा रिलेटिव. सो वी लव आवर रिलेटिव. एंड नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ. आपके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको वो फिल करने हैं. सो माई नेम इज, सभी बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर. सो माई नेम इज, मेरा नाम क्या है, रंजीता. आपका जो भी नाम होगा, नेहा, ईशा, सोहन, मोहन, वो अपना नाम लिखेंगे. आई एम ए डैश. सो आई एम ए डैश, मैं कौन हूँ, एक लड़की हूँ. और जो भी बॉयज होंगे तो बॉय लिखेंगे और गर्ल्स होंगे तो गर्ल्स लिखेंगे. सो आई एम ए गर्ल. आई एम डैश ईयर ओल्ड. सो आप कितने साल के हो, मम्मा से पूछो जल्दी से और लिखो कि आप कितने ईयर्स के हो. 7, 8, 9 जितना भी है वो आप यहाँ लिखो. एंड नेक्स्ट है, माय फेवरेट गेम इज. सो आपका फेवरेट गेम कौन सा है, जो भी आपका फेवरेट गेम है वो आप यहाँ लिखिए. सो मैं लिख रही हूँ फुटबॉल. नेक्स्ट है, आई लाइक टू ईट. सो आपको क्या पसंद है खाने में, कोई भी जो चीज आपको खाने में बहुत ज्यादा पसंद हो उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे. और मैंने लिखा है मैंगो, मुझे मैंगो खाना बहुत पसंद है.
नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डू वी नीड फूड. सो हमें खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों खाते हैं हम खाना. खाना हमें एनर्जी देती है और ताकत देती है, लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ती है. वी नीड फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, और वैसे भी खाना हमें ताकत भी देती है ना. नेक्स्ट है नेम एनी फोर रूम्स ऑफ अ होम. हमारे घर में कितने सारे रूम होते हैं ना, सो उन इसी तरह चार रूम्स के नाम लिखने हैं. सो कौन कौन से होते हैं, बेडरूम और रूम, किचन रूम, वो भी तो एक रूम होता है ना छोटा सा जिसमें खाना बनाते हैं, बाथरूम. सो बाथरूम में नहाते हैं, वो भी एक छोटा सा रूम होता है, एंड ड्राइंग रूम जिसमें हम एक साथ मिलके टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं. सो ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन एंड ड्राइंग रूम. सो चार रूम्स के नेम आपको लिखने हैं. एंड नेक्स्ट है डोंट नेम एंड कलर एनी वन थिंग्स वी यूज टू क्लीन अवर होम. सो हमें अपने घर को साफ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से कोई भी एक चीज़ की आपको ड्राइंग करनी है, उसका नाम लिखना है और उसमें कलर करना है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्लीनिंग करने के लिए, झाड़ू लगाते हैं. सो झाड़ू को क्या कहते हैं, ब्रूम. सो मैं बनाऊंगी यहाँ पे ब्रूम, झाड़ू. इस तरह आप करोगे, ड्राइंग बनाओगे और इसमें सुंदर सुंदर कलर भी करोगे. अगर प्रैक्टिस के लिए आप और सैम्पल पेपर, वर्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो एडू फेवर स्कूल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं.